आइए दोस्तों आज बनाते हैं चिकन मसाला थोड़ा अलग स्टाइल से। इसमें हम लोग खड़ा प्याज नहीं यूज करेंगे, इसमें हम लोग प्याज का पेस्ट यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कड़ाही गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच शुद्ध सरसों तेल। तेल को गर्म होने देते हैं, तब तक ये कुछ स्पाइसेस हैं। 2 लहसुन के पॉट, 3 तेज पत्ता, मेस, दालचीनी, 2 लौंग, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, स्टोन फ्लावर जिसको कि हम लोग पत्थर फूल भी कह सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें स्पाइसेस डाल लेंगे। स्पाइसेस को गरम होने देते हैं। स्पाइसेस ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 केजी चिकन। अब चिकन को हाई फ्लेम पर 5 मिनट फ्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है चिकन का। दोस्तों चिकन 50% फ्राई हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। धनिया पाउडर 2 चम्मच। नमक 2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा रेड हो गया अच्छे से मिक्स करने की वजह से। इसी कारण आप लोग अच्छे से मिक्स करिए ताकि अंदर तक चला जाए, इससे टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
दोस्तों अब इसमें यूज करेंगे 400 ग्राम प्याज का पेस्ट। अब ऐड करेंगे जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों मसाला लगभग फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों चिकन मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें 200 ml पानी डालकर 5 मिनट तक पकाएंगे। अब इसको ढक देंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। दोस्तों चिकन मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर डालकर और सर्व करके खा के बताएंगे कि कैसा बना है। आज हमारे फूफा जी खाकर बताएंगे कि कैसा बना है। ठीक है, रुको तब यहाँ ले लेते हैं ना। बहुत अच्छा, लाजवाब है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। एक बार जो भी यहाँ आए और खाकर इसको देखें, बहुत अच्छा है। और कुछ बोलना है जी? ऐसे करिए।